Subscribe and press the bell icon for latest update. ठंडी हो और चाय की चुस्की हो, फिर इसका रंग ही कुछ और होता है। चाय सर्दी के मौसम में आपके दिल को ज्यादा सक्रिय बनाती है। 3000 से अधिक किस्मों के साथ एक कप चाय दुनिया भर में पानी के बाद सबसे अधिक पिया जाने वाला पेय है। भारतीय चाय के प्रति अपने लगाव के लिए जाने जाते हैं और सर्दियों में ये कई लोगों के लिए एक आदत भी बन जाती है। चाय के कई लाभ भी होते हैं। ऑक्सीडेशन स्तर के आधार पर चाय मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। साधारण बोलचाल में चाय जितनी कम ऑक्सीडाइज होगी, स्वाद और सुगंध में उतनी ही सौम्य और बेहतर होगी। बात करते हैं चाय के प्रकारों के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं सफेद चाय। ये चाय का सबसे कम प्रोसेस किए जाने वाला स्वरूप है, जो कि शानदार स्वाद और खुशबू देता है। ये एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और यह कोलेस्ट्रॉल एवं ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है। इसमें कैफीन की मात्रा कम होने के चलते जो लोग अपने कैफीन सेवन पर ध्यान देते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, यानी सबसे अच्छा विकल्प सफेद चाय है। जो लोग अपना वजन घटाना चाहते हैं, वे एक चम्मच सफेद पत्ती, आधा चम्मच अदरक पाउडर और नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर 15 दिनों तक इसका सेवन करें। आशाजनक परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिनॉल की अधिक मात्रा के चलते यह एलिफ्टीन और कोलेजन को मजबूत प्रदान करता है। इसके चलते यह झुर्रियों को रोकने और मुहासे ठीक करने में मदद करता है। इसका रोजाना 3-4 कप सेवन आप कर सकते हैं। वही बात करें दूसरे नंबर पे, तो वो है ग्रीन टी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और स्वस्थ कोशिकाओं को तेजी से वृद्धि करने में मदद साबित होती है। इसमें चीनी मिलाकर इसका प्रयोग चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए फेस स्क्रब के रूप में कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन टोनर है, जो कि बंद पड़े रोम छिद्रों को खोलने में मदद करती है। आंखों के आसपास सूजन को कम करने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। इसे बालों को साफ करने और उन्हें स्वस्थ रखने में भी प्रयोग किया जा सकता है। ग्रीन टी से अधिकतर लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें दूध, चीनी, क्रीम और यहाँ तक कि शहद भी ना मिलाएं। उबलते पानी में एक चम्मच ताजी पत्तियों को मिलाएं और 2-3 मिनट रखने के बाद इसे पिए। इसका रोजाना 2-3 कप सेवन आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर की बात की जाए तो वो है ब्लैक टी। ये चाय हृदय रोग के खतरे को कम करती है और डायबिटीज के स्तर को घटाती है। यह तैली त्वचा वाले रोगों के लिए आदर्श है। ब्लैक टी रोम छिद्रों में कसावट, त्वचा में ताजगी लाने और चेहरे को प्राकृतिक एवं उज्जवल चमक लाने में मदद करती है। चौथे नंबर पे बात करें तो वो है रुइबोस, जिसे हम कहते हैं हर्बल टी। हर्बल टी में कैफीन नहीं होता और इसमें टैनिन कम होता है। इसमें कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं और ये त्वचा की एलर्जी में भी लाभकारी होती है। एक प्राकृतिक सौम्य क्लीनर के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए पहले चाय को उबालकर ठंडा कर लें, फिर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक सूखने दें और इसके बाद धुल लें। ये चाय आपकी त्वचा पर झाइयां, दाग धब्बे, मुहासे और सूजन को कम करती है। अगर हम पचमे टी की बात करें तो वो है ओलोंग टी। ओलोंग टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। ये कैल्शियम, मैंगनीज, पोटेशियम, कॉपर और सेलेसियम का प्रमुख स्रोत है। ये वजन को नियंत्रित करने और दांतों को खराब होने से रोकने में मददगार है। ये त्वचा को स्वस्थ और रंग साफ रखती है। वे लोग जो एक्जिमा के पीड़ित हैं, चमकदार त्वचा चाहती हैं, उन्हें 2-3 कप ओलोंग टी पीने की सलाह दी जाती है और ये काले धब्बे और झुर्रियों को कम करती है। यह एक प्रभावकारी सनस्क्रीन और टोनर भी है। अगर आप भी ये सारे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो बताए गए आप चाय को उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आप उस चाय को ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसकी आपकी चाहत ज़्यादा हो, यानी जो फायदा आप ज़्यादा लेना चाहते हैं। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से अभिषेक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।